प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आज अब रीडिंग कैंपेन पठन अभियान के वर्कशीट नंबर 44 में एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के अंतर्गत कुछ नया सीखने समझने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहिए और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और नई नई अपडेट लगातार आपके पास आती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी फटाफट से वीडियो के नीचे वाला लाल बटन दबा लीजिए। तो चलिए, ये वर्कशीट आपकी क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस की कॉमन वर्कशीट है। तो चलिए, यहाँ पर कुछ हम आंकड़े देखते हैं। ओके, हमारे देश भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जो हमारा देश भारत है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत है। इसमें अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं। लाइक आप अभी कहाँ रहते हैं, तो आप दिल्ली में रहते हो, आप हिंदी बोलते होंगे। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप हरियाणा में हरियाणवी बोलने लग जाते हैं। थोड़ा उधर को चलेंगे तो राजस्थान में राजस्थानी बोलते हैं। थोड़ा से इधर पंजाब में पंजाबी बोलते हैं। उत्तराखंड में जाएंगे तो गढ़वाली और कुमाऊनी बोलते हैं। बिहार में जाएंगे तो बिहारी बोलते हैं। तो अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। यही विविधता भारत की एक अनूठी विशेषता है। यानी कि इसमें विविधता है, अनेक प्रकार के अलग अलग भाषाएँ, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म और संप्रदाय, अलग अलग हमारा पहनावा है, अलग अलग खान पान है। भारत के एक छोटे से शहर में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं। एक छोटा सा शहर है भारत का और वहाँ पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो देखते हैं नीचे दिया गया दंडारेख, तो ये वार ग्राफ है। इस शहर में विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। कैसे दर्शाएंगे, देखो यहाँ पर ये अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और इन्हें देखेंगे थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा इधर करते हैं। ओके, अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर है मराठी। तो नीचे इन्होंने क्या करके आंकड़े दे रखे हैं, लाइक जो मराठी लोग ना यहाँ तक आधा बोलते हैं, तो ये वाली लाइन जो है 2000 की है और ये वाली लाइन 3000 की है। तो जो मराठी है वो कितने होते हैं, 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2500, यानी कि 2500 मराठी। उसके बाद देखो जो पंजाबी हैं, वो पंजाबी कितने लोग बोलते हैं, ओके 4500 लोग जो है वो मराठी बोलते हैं। और हिंदी कितने बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा हिंदी आ गई। और हिंदी का अगर हम आंकड़ा देखें तो ये रहेगा आपके लिए ओके 7.5। ठीक है, देखो सेंटर में है ना, तो ये 7.5 हो गया। उसके बाद अंग्रेजी का देखेंगे तो अंग्रेजी का कितना हो गया आपका, यस ये 6000। और तमिल का कितना हो गया, सीधे लाइन पे है 2000। और उर्दू का थोड़ा सा बीच में है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा 3500। ठीक है, ये आंकड़े हमने सभी जो भाषाएँ हैं उनमें कितने लोग बोले जाते हैं उस भाषा को बोलते हैं। अब हमने गिनना है व्यक्तियों की संख्या। तो ये आपके पास एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज को आपने अपनी कॉपी में भी लिखना है। तो ध्यान से देखेंगे एक बार, ये आंकड़े आपके पास होने चाहिए। ओके, दंडारेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। तो सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तो भैया देख लेते हैं यहाँ पर सबसे लंबी ग्राफ किसकी है। तो देखो ये यहीं तक अंग्रेजी की, लेकिन सबसे लंबी ग्राफ कौन सी है, हिंदी की। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हिंदी है ना, देखो कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदी और हिंदी में उसकी काउंटिंग लिख देंगे। उसके बाद दूसरा सवाल है, उस भाषा का नाम बताइए जो सबसे कम प्रयोग में लाई जाती है। तो कुछ जो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो देखते हैं वो कौन सी लैंग्वेज है। ओके, थोड़ा सा चलते ऊपर और यस मराठी जो है सबसे कम लाइन, देखो कौन सी है, तो एक ही लाइन आ रही है ये वाली। इसका मतलब तमिल जो है वो सबसे कम लोग बोलते हैं। ओके, तो अभी आपको क्या करना भाई, थर्ड वाला पंजाबी, सॉरी मराठी पंजाबी तमिल और उर्दू बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो टोटल कितने, मतलब कितने लोग हैं ये, देखो कुछ मराठी लोग बोलते हैं, कुछ पंजाबी बोलते हैं, कुछ तमिल बोलते हैं, कुछ उर्दू बोलते हैं, तो इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा।
तो देखो एक बार देखो, थोड़ा सा यस, ये देखो मराठी, सबसे पहले मराठी है तो कितना लेंगे भाई, 2,500। उसके बाद देखो पंजाबी, तो पंजाबी कितना लेंगे, पंजाबी यस 4,500। उसके बाद देखो तमिल, तो तमिल कितना लेंगे, सिर्फ 2,000। और उर्दू कितना लेंगे, 3,500। तो अब इनको सबको क्या करना, आपने जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने के लिए कहा गया है। ये देखो कुल व्यक्तियों की संख्या, तो कुल क्या होता है, सबको जोड़ देंगे तो आपका कुल निकल के आ जाएगा। इसको हम बाद में करते हैं सवालों को, पहले दूसरा देखते हैं। ओके, अंग्रेजी की तुलना में हिंदी बोलने वाले व्यक्ति कितने अधिक है। तो अंग्रेजी की तुलना में हिंदी अधिक है, तो हिंदी ज़्यादा है, तो हिंदी में से हम माइनस अंग्रेजी कर देंगे, तो हिंदी कितनी है। ओके, ये है आपका 750, 750 में से आपको अंग्रेजी कम करनी है, तो अंग्रेजी कितनी आपकी, 6,000। तो भैया 650 में से आपने 6,500 में 6,000, 7,500 में 6,000 माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1,500। ठीक है, वैसे मैं लिखाऊंगा इसे भी, पूरे आंसर आपको लिखवा के करूंगा। अगला प्रश्न है, इस शहर में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो टोटल कितने लोग हैं। तो टोटल करने के लिए क्या होगा भाई, टोटल करने के लिए देखो मराठी के आपके 2,500, पंजाबी के आपके 4,500, हिंदी के आपके 7,500, अंग्रेजी के हैं 6, तमिल के हैं 2,500 और उर्दू के हैं 3,500। तो इन सबको जोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, चलिए ये आपका क ख ग का, तो क ख ग का है। लाइक यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा था कि मराठी, पंजाबी, तमिल और उर्दू बोलने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या, तो यहाँ पर हमने तीनों को जोड़ दिया, देखो 1, 2, 3 और 4, तो कितना आएगा आपका आंसर यहाँ पर, ये आपके लिए क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसे आपको खुद सॉल्व करना है, कमेंट में बताना है। बाकी अगला सवाल जो है वो हिंदी में से आपको इंग्लिश को माइनस करना था, तो आपको 1,500 हो गया, और ई में जो है कि आपका 2,500, 4,500, 7,500, 6,000, 2,000, 3,500, इनको सबको जोड़ना है। तो सबको जोड़ने के बाद कितना आंसर आया, 26,000। लेकिन आपको ये वाला आंसर मैंने बताया नहीं है, तो आपको क्या करना है, 2,500, 4,500, 2,000 और 3,500 को जोड़ना है, और कितना आंसर आ गया वो मुझे कमेंट में आप बताओगे। आगे देखते हैं, अब अगला देखो लास्ट वाला सवाल है कि अपने सहपाठियों से उनकी मातृभाषा के बारे में आंकड़े एकत्रित कीजिए, यानी कि जो आपके दोस्त हैं उनकी मातृभाषा कौन सी है, उनसे अपने डाटा इकट्ठा करना है। लाइक देखो फिर से दंडारेख बनाना है, लाइन खींचेंगे और यहाँ पर दोस्त के दोस्त का नाम लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख दो जैसे कि भाई मैं हूँ, तो आपने यहाँ पे लिख दिया आशीष, और सबसे आगे क्या वो गढ़वाली, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर लाइन खींच के, आशीष गढ़वाली, और कितना बोला जाता है, तो लाइक अगर ये 5,000 है तो यहाँ पर आप लाइन बना दोगे जैसे 1,000 हो गया, 2,000 हो गया, 3,000, तो जो है आप उसमें जो है वहाँ तक उस लाइन को खींच दोगे, तो आपका वो पूरा ग्राफ तैयार हो जाएगा। लाइक आपका दूसरा दोस्त है और वो जो है भोजपुरी बोलता है, तो यहाँ पे आप लिख दो भोजपुरी, और कितना बोलता है उतने लंबे तक वो यहाँ पर एरो बना देंगे। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। बाकी जो कमेंट के लिए सवाल पूछे उनका ज़रूर जवाब दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और नई नई अपडेट लगातार आपके पास आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। धन्यवाद।